हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, दो कलर में बिल्कुल अलग तरीके का डोरमैट डिजाइन बनाएंगे। उसके लिए देखिए, मैंने ये दो कलर में पुरानी चुन्नी ले ली है। देखिए चुन्नी की मैंने एक एक सेंटीमीटर चौड़ी पट्टियाँ काट ली हैं इस तरह की। ये मैंने एक येलो कलर लिया है और एक पर्पल कलर लिया है। तो देखिए, आप इसे पुरानी चुन्नी से बनाएं, ऊन से बनाएं, मैक्रम से बनाएं, पुरानी साड़ी से बनाए, मैं इसे पुरानी चुन्नी से बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, हम फंदे डालेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं एक फंदा डाल लूंगी, इस तरह से एक नोट लगाएंगे ऐसे। एक नोट लगाया, इस तरह से नोट लगाया। यहाँ पर देखिए, हम फंदा बढ़ा लेंगे। शुरू से ही हमें डिजाइन को शुरू करना है। सिलाई के नीचे से पट्टी को लपेटेंगे और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब दूसरी साइड आएंगे तो यहाँ पर भी देखिए, पट्टी को सिलाई में लपेटेंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे। पर देखिए, फिर से पट्टी को लपेटेंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे। इस तरह से लपेटा सिलाई के नीचे से और एक फंदा बढ़ा लिया। फिर से देखिए, एक फंदा बढ़ाएंगे सिलाई के नीचे से लपेट कर और एक फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे। फिर से देखिए, यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे सिलाई के नीचे से, पट्टी को घुमाएंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे। यहाँ पर देखिए, फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, इस तरह से लपेटा और फंदा बढ़ा लेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। एक फंदा हम इधर से बढ़ाएंगे और इसे इस तरह से लपेट लेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और एक आठ। इस तरह से देखिए, यहाँ से एक फंदा हम फिर से बढ़ाएंगे ऐसे। इस तरह से देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर 11 फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए, एक फंदा फिर से बढ़ाया, ये हमारे यहाँ पर 10 फंदे हुए। तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस। इस तरह से देखिए, एक फंदा हम यहाँ पर फिर से बढ़ाएंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस और ये 11। देखिए, हमें यहाँ पर 11 फंदे बनाने हैं। तो उल्टी साइड से अब हम यहाँ पर सेकंड कलर लगाएंगे। सेकेंड कलर लगाने के लिए देखिए, हम यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह से दबा लेंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे। फंदा हमें यहाँ पर भी बढ़ाना है, देखिए एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये हमारे देखिए, एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा लिया, ये हमारे 11 फंदे थे। तो ये फंदा बढ़ा, देखिए दो, तीन, चार,
पांच और ये छह। देखिए हमने एक फंदा यहाँ पर बढ़ाया है और पांच फंदे दो चार पांच 11 फंदे थे हमारे, दो चार पांच फंदे छोड़ेंगे और बीच वाला फंदा देखिए हम येलो कलर का बना लेंगे, ये वाला, और पांच फंदे हम इस साइड ले लेंगे, दो तीन चार पांच, एक फंदा देखिए हम इस साइड बढ़ाएंगे इस तरह से, यहाँ पर देखिए पट्टी को पीछे करेंगे और येलो पट्टी आगे लेके आएंगे, एक फंदा येलो कलर से बना लेंगे। सीधी सिलाई में जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बनाते हुए कंप्लीट करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक फंदा हम फिर से बढ़ाएंगे इस तरह से, दो तीन चार पांच छ, और यहाँ पर देखिए एक दो तीन, तीन फंदे बना लिए, एक फंदा इधर से लिया और एक फंदा इधर से लिया, तो येलो कलर के हमने यहाँ पर तीन फंदे बना लिए, एक दो तीन चार पांच, ये पांच फंदे हैं हमारे, एक फंदा हम इधर से बढ़ाएंगे तो ये हमारे यहाँ पर भी 6 फंदे बन के आ गए हैं। सीधी सिलाई में जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। पट्टी को पीछे ले लेंगे और येलो पट्टी क्रॉस करवाते हुए आगे की तरफ लेके आएंगे, और यहाँ पर जो फंदे जिस कलर से है सीधी सिलाई में कोई भी चेंज नहीं करना है, जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे, पर देखिए एक फंदा हम पर्पल वाला येलो कलर से बना लेंगे, और इस पट्टी को देखिए पर्पल वाले को साथ में दबा लेंगे, एक फंदा इधर से बना लेंगे, तो ये येलो कलर के हमारे यहाँ पर 5 फंदे बन के आ गए हैं। तो चलिए यहाँ पर बीच में मैं यहाँ 11 फंदे बना लेती हूँ, जैसे हमने यहाँ पर 11 फंदे बनाए थे, तो उसके बाद मैं आगे आपको फिर से दिखाऊंगी कि आगे कैसे बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर डिजाइन बन के आ गया है। अब हमें क्या करना है, सीधी सिलाई हमें जो फंदे जिस कलर से है उसी कलर से बनाते हुए जाएंगे, यहाँ पर फंदे हम बढ़ाते हुए जाएंगे दोनों तरफ से, जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये 11, 11 फंदे हमारे बीच में बन के आ गए हैं, देखिए जिस तरह से हमने शुरुआत में बनाए थे। और यहाँ पर देखिए इस पट्टी को देखिए थोड़ा सा लूप छोड़ते हुए जाएंगे, इस पट्टी को साथ में अंदर की साइड इस तरह से लपेटते हुए बनाएंगे। इस तरह से देखिए
अब देखिए यहाँ पर हम एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे। और देखिए ये सभी फंदे हम पर्पल कलर से बना लेंगे। एक दो तीन, येलो पट्टी को साथ में दबा लेंगे और इस पट्टी को देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से अंदर से ले लेंगे ताकि हमारा यहाँ पर बड़ा पट्टी ना बचे। तो देखिए एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे बना लिए। एक फंदा हम येलो कलर का बना लेंगे, बीच में इस तरह से ही ये डिजाइन हमारा डलता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से हम एक और इस पट्टी को देखिए साथ में इस तरह से ले लेंगे, दो तीन चार पांच, बाकी के फंदे पर्पल कलर से बना लेंगे। इस तरह से देखिए ऐसे। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। सीधी सिलाई में कोई भी चेंज नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब देखिए आ गए हैं उल्टी साइड। यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे और पर्पल वाले फंदे पर्पल कलर से बनाएंगे। एक पर्पल वाला फंदा देखिए इस तरह से पर्पल पट्टी आगे की तरफ ले लेंगे और इस फंदे को येलो कलर से बनाएंगे। सेम रिपीट करते हुए जाना है जिस तरह से हमें इसे बनाया है। एक फंदा इधर से येलो बना लेंगे पर्पल वाला, तो इसी तरह से देखिए बीच में मैं यहाँ पर येलो कलर के 11 फंदे बना लूँगी। 11 फंदे बनाने के इसी तरह के हम यहाँ पर एक डिजाइन हो गया, दो और तीन चार, चार डिजाइन डालने के बाद देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे कैसे बनाना है। यहाँ पर देखिए ये हाफ डोरमेट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे येलो बनाए और ये जो बीच वाला फंदा है ये वाला, इस फंदे को हम येलो कलर से बनाएंगे, इस बीच वाले फंदे को। इस तरह से पर्पल कलर से बनाएंगे इसको। यहाँ पर देखिए फिर से हम एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे बनाए येलो कलर के। फिर से देखिए बीच वाला फंदा पर्पल कलर से बना लेंगे। इस तरह से इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे ऐसे,
और यहाँ पर एक फंदा पर्पल कलर से बना लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से इसे थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे और यहाँ पर एक, दो, तीन इस पट्टी को आगे ले लेंगे, चार, पाँच, छः, सात, आठ और एक नौ, नौ फंदे बना लिए हैं ये हमने। यहाँ पर एक फंदा पर्पल कलर से ले लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच फंदे येलो बनाए, एक फंदा हम फिर से पर्पल कलर से ले लेंगे। यहाँ पर देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच और यहाँ पर बाकी के फंदे देखिए पर्पल कलर से बना लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर अब हम एक फंदा घटाएंगे, दोनों साइड से अब हमें एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। एक फंदा इधर से घटाएंगे, एक फंदा उधर से घटाएंगे। तो देखिए सीधी साइड से जो फंदा जिस कलर से ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। मैं उल्टी साइड से एक बार आपको फिर से बताऊं। यहाँ पर देखिए इतना हमने बना लिया है, अब हमें क्या करना है देखिए, यहाँ से एक फंदा घटाएंगे, हर बार एक फंदा घटाते हुए जाना है और ये सभी फंदे पर्पल कलर से बनाएंगे हम। जो येलो कलर का है वो फंदा भी पर्पल कलर से ही बना लेंगे। इस पट्टी को साथ में ले लेंगे, येलो वाले को, और देखिए पर आप देखिए हमें क्या करना है, ये जो फंदे हैं 11, ये 11 फंदे बनाने हैं। तो देखिए 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 11 फंदे हमने यहाँ पर येलो कलर से बनाने हैं। 1, 2, 3 पर्पल पट्टी को आगे ले लेंगे, 4, 5, 6 सात, आठ, नौ, दस और ये 11 फंदे बना लिए। इधर के सभी फंदे अब पर्पल कलर से ही बना लेंगे जैसे हमने यहां से बनाए हैं। दोनों साइड से देखिएगा एक एक फंदा घटाते हुए अब हम इस डिजाइन को एक फंदे तक लेके जाएंगे जैसे हमने इसे शुरू किया था। सीधी सिलाई में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, सीधी सिलाई ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे और उल्टी सिलाई में हमें एक एक फंदा घटाते हुए और इस डिजाइन को, जो डिजाइन हमने डाला था, इस डिजाइन को बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे 11 फंदे हैं। यहाँ पर फिर एक एक फंदा हम इस साइड ले लेंगे पर्पल कलर से बनाते हुए, यहाँ पर 9 इस तरह से एक फंदा रह जाएगा जैसे हमने इस डिजाइन को डाला था। यहाँ से हमने इस तरह इसे ऊपर की साइडों में बढ़ाते हुए गए थे, एक फंदे से तीन किए, अब हमें
जैसे 11 फंदे से 9 फंदे करेंगे, तो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। सीधी सिलाई में कोई भी चेंज नहीं करना है, सीधी सिलाई ऐसे ही सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एक फंदा घटाएंगे, दोनों साइडों से जैसे हमने एक एक फंदा बढ़ाया था उसी तरह से एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। सीधी सिलाई में कोई चेंज नहीं करेंगे, सीधी सिलाई ऐसे ही जो जिस कलर से है वैसे ही बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए, एक बार बताती हूँ मैं आपको, ये फंदे हम पर्पल कलर से बनाएंगे। और एक फंदा इधर से पर्पल कलर का बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और नौ, दो फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए हैं, दोनों साइड से एक एक फंदा इस साइड से और इस साइड से कम कर दिए हैं, ये पर्पल कलर से बना लिए हैं। और हमारे येलो कलर के अब नौ फंदे रह गए हैं। तो इसी तरह से हम सात, जैसे हमने इस डिजाइन को डाला था, देखिए यहाँ से हमें एक फंदे से तीन किए, पांच सात इस तरह से किए थे, अब हमें वापस जाना है 11 से 9 7 5 3 1 इस तरह से करते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि आगे कैसे बना। दोनों साइड से देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक एक फंदा घटाते हुए, यहाँ से हमें फंदे बढ़ाए थे, अब हम फंदे घटाएंगे, तो इसी तरह से हमारा बन के आएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखा। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर लास्ट वाले डिजाइन पे आ गए हैं। इस तरह से हमारा मैट बन के आएगा। तो चलिए एक बार देखिए, यहाँ पर एक फंदा हम यहाँ से घटाएंगे, दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते हुए हम जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था एक फंदे से वहीं पे आ जाएंगे। उसी तरह से हम यहाँ पर तीसरा डिजाइन डाल रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी बनाने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच के। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा प्यारा सा डोरमैट कैसा लगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक फंदा हम घटाएंगे, दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते हुए हम इस पूरे मैट को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से, देखिए दो का एक बनाएंगे ऐसे, यहाँ पर फिर से देखिए दो का एक बनाएंगे इस तरह से। देखिए देखिए मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि ये हमारा नेट इस तरह से बन के आया है। ये देखिएगा, यहाँ से
यहाँ पर हमें घटाते हुए इसको यहाँ तक बना लिया है और यहाँ से फंदे बढ़ाना शुरू किए थे। तो देखिए पूरा डोरमैट हमारा बनके आ गया है इस तरह से।